अस्सलाम वालेकुम। अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट के साथ मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको आपके सामने सॉल्व करूँगा जितने भी ऑप्शंस हैं सीटी पेपर के जो कि पेशावर डिवीज़न में हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू पुल अलॉन्ग विद अ पर्सन विद होम आई हैव नो इमोशनल, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कंपेटिबिलिटी आती है। ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए टी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर टू जो है, हेयर हर आइज़ वर डायमंड। इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच मेटाफर यूज़ हुआ है क्योंकि डायरेक्ट कंपैरिजन है। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है, शी वेटेड वाइल ही पोर्ड अ कप ऑफ कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर जो फोर है, द गर्ल पास्ड ओवर द नेक्स्ट लेसन एंड नेवर केयर्ड टू रीड इट। ये क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन है ठीक वो है टू इग्नोर। क्वेश्चन नंबर फाइव जो है, शी एक्वायर्ड दिस विजडम ओनली आफ्टर मच रीडिंग। इसका जो ऑप्शन है, दिस विजडम वाज एक्वायर्ड, ओके पास्ट टेंस से लिया गया है ये। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो हमारे नबूवत के दसवें साल हुजूर सल्लम को किन दो अजीज़ हस्तियों की जुदाई का गम सहना पड़ा। इसका जो ऑप्शन है, क्योंकि दो हज़रत अबू तालिब और हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जो थी, उन दोनों की इस साल जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर सेवन जो है, ताइफ मक्का मुकर्रमा से डेश फासले पर है, तो ये 70 किलोमीटर के फासले पर है। मजालिस अमानत होती है, दर्ज ज़ैल में से दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। ऑप्शन सी हदीस-ए-कुदसी है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइन है, द डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट 6-डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5-डिजिट नंबर इज़। तो ये हमारे पास है जो स्मॉलेस्ट 6-डिजिट है वो 1 लाख है और जो ग्रेटेस्ट 5-डिजिट नंबर है वो है 99,999। तो डिफरेंस सिर्फ हमारे पास 1 है, ऑप्शन ए ठीक है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द पैटर्न 10, 20, 40, 160 and 640 इज़। ये 4 से मल्टीप्लाई किए गए, देखें 10, 4, 40, इसको 160, फिर इस तरह 4 से मल्टीप्लाई करें 640। तो ये हमारे पास ऑप्शन है 2560 यानी 2560। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी पीसेज ऑफ 4x10 meters ऑफ वायर कैन बी कट फ्रॉम ए वायर विच इज़ 8x5 meter लॉन्ग। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका ऑप्शन है बी 4। इसको आप सॉल्व करें क्योंकि आप मैं सिर्फ आपको ऑप्शन बताऊंगा। द एज ऑफ अशरफ इज़ 15 years 10 months एंड द एज ऑफ अकमल इज़ 17 years 5 months। फाइंड द रेशो बिटवीन देयर एज। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसका ऑप्शन है हमारे पास डी 10:11। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमारे पास है 1.5 प्लस ब्रैकेट में हमारे पास है 0.7 प्लस मीडियम ब्रैकेट है हमारे पास 1.4 माइनस 0.5, फिर मीडियम ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट और मीडियम ब्रैकेट को इसने बंद किया। इसका ऑप्शन हमारे पास है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास है डी। इसको आप सॉल्व करें। जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। यानी क्वेश्चन 14 का जो ऑप्शन है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, विच मेथड इज़ आर यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन हमारे पास है सब्लिमेशन। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 जो है, अ केमिकल प्रोसेस दैट गिव आउट हीट इज़ कॉल्ड कंबस्शन। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन है ए। 17 है, द अट्रैक्टिव फोर्स अमंग मॉलिक्यूल इज इन लिक्विड इज स्ट्रॉन्गर इन। द अट्रैक्टिव फोर्स अमंग मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर इन। तो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स जो जिस मैटर में मॉलिक्यूल की जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर होती है, वो हमारे पास है जो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो सॉलिड में ज़्यादा होती हैं। इस तरह हमारे पास देयर इज़ अ पोर ऑन सीट कोट इट इज़ कॉल्ड। इसे क्या कहा जाता है जी, सीट पोर में जो सीट कोट में जो पोर होते हैं उसे माइक्रोपाइल कहते हैं।
व्हाट इज़ द फिलोसॉफिकल आउटलुक ऑफ रूसो अबाउट लर्निंग एक्टिविटीज़। लर्निंग एक्टिविटीज़ में इसमें श्योर नहीं हूँ मैं, ए हो सकता है या आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ए या बी। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 20 है, पाइगेट मेंटेन दैट अ चाइल्ड मेंटल्स डेवलपमेंट टुक प्लेस थ्रू बैलेंस बिटवीन। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन बी एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। फिर इसके बाद हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन नंबर 21 है वो है सौदागिरी, गदागिरी और सिपागिरी, इन सब अल्फाज गिरी का क्या है। ये गिरी में जो है ना ऑप्शन ये लाहक हैं यानी बाद में आते हैं गिरी। फिर हमारे पास किश्वर के मानी हैं, किश्वर के मानी है ऑप्शन बी सरसब्जो शदाब। क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसमें है ज़मीन पहाड़ से कीमती अशिया निकालने वाले को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं कान सुमन, वो इस बंदे को कहते हैं जो ज़मीन और पहाड़ ज़मीन से और पहाड़ों से कीमती अशिया निकालते हैं। द यूरोपियन नेशन इंक्लूडिंग हॉलैंड फ्रांस, ये ऑप्शन ए हमारे पास ठीक है, फ्रांस एंड इंग्लैंड केम इंडिया एज अ ट्रेडर, ये तजारती गरज से आए थे। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ टेक्सला, टेक्सले का पुराना नाम टेक्सशेला है।